लेखन के बारे में काशी जी से प्राप्त तर्क को सुनकर चेतन हैरान तो था, लेकिन इसके गणित के अनुसार इस बात को पचा पाना थोड़ा मुश्किल था। वो कुर्सी छोड़कर तेजी से उठ खड़ा हुआ और एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ सिर पर रखकर सोचने लगा। सभी लोग उसके इस रिएक्शन से थोड़ा हैरान हुए। एकाएक चांदनी बोली, बात क्या है चेतन, तुम इस तरह से क्या सोच रहे हो? तभी चेतन तेजी से मुड़ा और दोनों हाथ टेबल पर पटकते हुए बोला, ओह तो बात ये है, आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को ये बात कैसे समझाऊं, लेकिन एक बात ऐसी है जो आपको बतानी जरूरी थी पर शायद वक्त ही नहीं मिला। तब काशी जी बोले, कौन सी बात चेतन? तब चेतन ने सारी बात खोलकर बताते हुए कहा, आप लोगों को याद होगा जब पापा जी आप बीमार हुए थे तो पारस वैद्य यहाँ आए थे और उनके सच को जानने के लिए मैंने दोबारा पास्ट को देखा था। तब मुझे वहां से पता चला था कि जिस अजरनाथ को हमने हराया था असल में वो असली अजरनाथ नहीं बल्कि अजरनाथ का शिष्य अभिराज था जो बाद में अपने गुरु की शक्तियां पाकर अजरनाथ बन गया था। कहते हुए चेतन उस पूरी घटना को विस्तार से सभी को बताता है कि कैसे अभिराज अजरनाथ बन गया था। हालांकि चेतन भी अजरनाथ का ओरिजिन नहीं जानता था, लेकिन जितना उसने देखा था वो सारा सच चेतन ने सभी के सामने खोल कर रख दिया। तब सभी लोग इस पूरी बात को जानकर हैरान हो गए। एकाएक वीर सिंह बोला, चेतन तुम इतना कुछ जानते थे और ये सब तुम अब हमें बता रहे हो? तब चेतन ने उत्तर दिया, अरे उस समय सब कुछ कितना जल्दी जल्दी हुआ ये तो सभी लोग जानते हैं और हम लोग अजरनाथ को हरा ही चुके थे तो बाकी बातें करना उचित लगा ही नहीं। लेकिन जितना मैंने अजरनाथ को देखा था वो रक्षक समूह को हरा कर वहां से चला गया था। कहते हुए चेतन कुर्सी पर वापस बैठ गया और दोबारा बोला, उसके बाद अजरनाथ की जिंदगी में क्या हुआ इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि हमने उसे शुरू से अकेले ही देखा था तो मैंने मान लिया कि उसका कोई परिवार कभी था ही नहीं, बेटा होना तो दूर की बात है। तभी चांदनी कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि बेटा ही हो शेखरन, अजरनाथ का शिष्य भी तो हो सकता है। तब सारी बातों का अंत करते हुए काशी जी बोले, अब वो चाहे बेटा हो शिष्य हो या कोई संबंधी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये याद रखना कि हमसे बदला लेने का उसके पास पूरा कारण है, इसलिए वो हमें धमकी देकर गया है। अब हमें ये सोचना है कि माही को उसके इस जाल से कैसे बचाया जाए क्योंकि हमें तो लगता है कि माही सच को नहीं जानती, लेकिन फिलहाल सुबह हो चुकी है, ये सब सोचने के लिए हमारे पास आज शाम तक का ही समय है। ये सुनकर सभी लोग चिंता से भर गए लेकिन फिर उठकर किताबों वाले कमरे से बाहर आ गए। चेतन घर के बाहर की ओर चला गया। कुछ देर बाद चांदनी भी हाथ में चाय का कप लिए घर के बाहर चली आई, लेकिन चेतन बाहर नहीं था। तब चांदनी ने आसपास देखा तो उसे चेतन नजर आ गया। वो चेतन की ओर बढ़ते हुए बोली, यहाँ क्या कर रहे हो चेतन? वो उस समय माही के लगाए छोटे से बगीचे में खड़ा था। तब चेतन चांदनी की ओर बिना देखे बोला, बस ऐसे ही इन फूलों को देखने चला आया। तब चांदनी चाय का कप उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, तुम माही को याद कर रहे हो ये भी जानती हूँ और मुझे कोई शिकायत भी नहीं है, शादी के वक्त ही तुमने कहा था कि। चांदनी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले चेतन बोला, आई एम सॉरी चांदनी। कहते हुए चेतन ने चांदनी की मायूसी भरी बात पर अल्प विराम लगा दिया। तब चांदनी दोबारा बोली, किस बात के लिए चेतन? तब चेतन बोला, इतने समय तुमने जो कुछ मेरे लोगों के लिए सहा जिसमें मेरा बर्ताव भी शामिल था, और सॉरी तुम पर भरोसा ना करने के लिए, पर अब मैं अपने दिमाग से पूरी तरह क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है। इस बात को सुनकर चांदनी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दोनों एक अजीब सी खामोशी के साथ कुछ देर वहीं खड़े रहे और कुछ देर बाद चांदनी बिल्कुल धीमी सी आवाज में बोली, आगे क्या होगा चेतन, ये सोचकर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तब चेतन भी फूलों की ओर देखते हुए ही बोला, सच कहा मुझे भी डर लग रहा है, अगर फिर खूनी वधू के कारण तबाही मची तो पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी क्योंकि ये बात पूरा गांव जानता है कि खूनी वधू को हमने ही कैद किया था। कहते हुए चेतन पीछे मुड़ा और दोबारा बोला, अब हमारी मदद वही कर सकते हैं जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। तब चांदनी हैरान होते हुए बोली, कौन? इस बात के जवाब में चेतन ने मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में हाथ जोड़कर कहा, स्वयं भगवान काल भैरव, मैं काल भैरव मंदिर जा रहा हूँ, क्या तुम साथ आओगी?
चांदनी ने मुस्कुराकर पलके झपका दी। थोड़ी देर में दोनों काल भैरव मंदिर पहुंच चुके थे। सुबह की आरती खत्म हो चुकी थी। चेतन और चांदनी काशी जी के कहे अनुसार थोड़ा हिचकिचाहट के साथ सरपंच जी को लोगों को सतर्क करने की बात बता दी। ये सुनते ही सरपंच जी परेशान हो गए और चिंता भरी आवाज में बोले, अब क्या बात हो गई चेतन बेटा? तब चेतन परेशान होकर चांदनी को देखने लगा। एकाएक चांदनी बोली, कल रात हमारे घर के सामने क्या हुआ इस सब की खबर तो आपको लग ही गई होगी। मामला जरा गंभीर है, बस आप मदद कीजिए। तब सरपंच चेतन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, ठीक है तुम चिंता मत करो, हम देख लेंगे, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही होगा। सरपंच जी की बात सुन दोनों के मन को तसल्ली पड़ गई। एकाएक चेतन बोला, चांदनी अब तुम घर जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा, फिलहाल मैं यही मंदिर में रुकना चाहता हूँ। चेतन की बात सुन चांदनी थोड़ी परेशान सी सूरत लेकर घर की ओर चल पड़ी। उधर चेतन भगवान काल भैरव की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला, हे ईश्वर आपकी सहायता के बिना हम लोग निर्दोषों को बचा नहीं पाएंगे, मदद कीजिए। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, लेकिन अगर इस लड़ाई में किसी की भी जान गई तो उसकी जिम्मेदारी हम पर होगी, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। कहते हुए चेतन अपने एक पैर पर खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा। इसी तरह उसे प्रार्थना करते हुए कुछ घंटे बीत गए। जब चेतन काफी देर तक घर नहीं लौटा तो सभी को चिंता होने लगी। काशी जी चांदनी के करीब आकर बोले, चांदनी चेतन अब तक नहीं लौटा, यहाँ समय बीत रहा है, तुम्हें उसे साथ लाना चाहिए था। इस बात पर चांदनी ने जवाब दिया, पापा जी मैंने उनसे साथ चलने को कहा था लेकिन वो मंदिर में ही रुक गए, कुछ देर इंतजार कर लेते हैं लौट आएंगे। सभी लोग चेतन का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते कई घंटे बीत गए। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन चेतन नहीं लौटा। तब वीर सिंह काशी जी से बोला, पिताजी मैं जाकर देखता हूँ, अब तो बहुत समय हो गया, कहीं चेतन पर कोई मुसीबत तो नहीं आन पड़ी। ये सुनकर काशी जी भी तुरंत अनुमति देते हुए बोले, जल्दी जाओ वीर सिंह और चेतन को घर ले आओ। कहते हुए हल्की सी चिंता के भाव काशी जी के चेहरे पर उभर आए थे। जैसे काशी जी से आदेश पाकर वीर सिंह ने घर के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, तभी एक तेज हवा का झोंका घर में दाखिल हुआ और वीर सिंह को पार करता हुआ सीधा चांदनी के शरीर में उतर गया। असल में वो चित्रा थी। चित्रा के आते ही चांदनी की आंखें सफेद बल्ब की तरह चमकने लगी और वो अचानक वीर सिंह से बोली, रुक जाइए वीर सिंह, चेतन को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो ईश्वर काल भैरव की भक्ति में लीन है, जब उसकी अर्चना पूर्ण हो जाएगी तो वो लौट आएगा, फिलहाल एक बुरी खबर है। ये सुनते ही वीर सिंह दोबारा आंगन की ओर दौड़कर चला आया। इन सभी घटनाओं से परे वीर सिंह के घर से कुछ दूरी पर स्थित नगर स्त्री की हवेली में माहौल कुछ अलग ही था। शेखरन उस लॉकेट को पाकर बहुत ही खुश था। वो बिल्कुल शांत बैठी माही से अपनी खुशी जाहिर करते हुए बोला, वाह माही वाह, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया, ये लॉकेट लाकर तुमने मेरे प्रतिशोध के यज्ञ में आहुति दे ही दी। ये सुनकर माही शेखरन की ओर देखते हुए बोली, शेखरन यही लाइंस तुम रात से लेकर अब तक कई बार कह चुके हो, बस एक बात का जवाब नहीं दिया तुमने कि मुझे मेरा मंत्र कब मिलेगा। तब शेखरन उस लॉकेट को दोबारा गौर से देखते हुए बोला, दे दूंगा माही, बस थोड़ा धीरज रखो, तुम तो जानती हो ना कि आज की रात पूरन पूर्णिमा की रात है, आज मैं खूनी वधु को मुक्त करके अपने वश में कैद करने वाला हूँ, बस एक बार वो हो जाए फिर मैं तुम्हारे मंत्र पर ही काम करने वाला हूँ। कहते हुए शेखर ने माही को मना लिया। दूसरी तरफ मंदिर में चेतन की तपस्या रूपी प्रार्थना जारी थी। काफी सारे घंटे इसी तरह एक पैर पर खड़े रहकर वो पूरी तरह से थक चुका था। वो पूरी तरह से थकावट भरी आवाज में बोला, ईश्वर आज आपको मेरी मदद करनी ही होगी, जब तक मुझे कोई हिंट नहीं मिल जाता तब तक मैं ऐसे ही प्रार्थना करता रहूंगा। चेतन को अपने आत्मविश्वास को वापस जीवित करने की कोशिश में 6 घंटे से भी ज्यादा समय बीत गया। अब चेतन की आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छाने लगा। अंततः चेतन लड़खड़ाती सी आवाज में बोला, भगवान मैं हार नहीं मानूंगा। कहते हुए वो जमीन पर धराशायी हो गया और बेहोशी के चलते उसकी आंखें बंद हो गई। तभी उसके कानों में एक गूंजती सी आवाज सुनाई पड़ी,
कैसे हो बंधु? बंधु आवाज को सुनते हुए चेतन की आंखें बंद हो गई। तभी एक तीव्र प्रकाश चेतन के ऊपर आकर पड़ने लगा, जिसके कारण चेतन की आंखें एक बार फिर धीरे धीरे खुलने लगी और जो वो अपनी खुली आंखों से देख रहा था उस पर विश्वास कर पाना भी एक तरह से नामुमकिन था। अचानक ही वो तीव्र रोशनी एक जगह इकट्ठा होकर एक इंसान का रूप लेने लगी। ये देखते ही चेतन की आंख में आंसू आने लगे और अचानक वो हाथ जोड़ते हुए उस रोशनी को देखने लगा। जैसे वो रोशनी पूरी तरह से इंसानी रूप लेकर तैयार हो गई, तब चेतन धीरे से उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसका एक पैर काफी दर्द कर रहा था। वो पैर जमीन पर रगड़ते हुए उस रोशनी से बने आदमी के करीब पहुंचते हुए बोला, कौन है आप देव पुरुष? ये सुनते ही वो आदमी दूसरी ओर देख मुस्कुराते हुए बोला, थोड़े दिन के लिए मैं चला क्या गया बंधु, तुम तो मेरी आवाज को भी भूल गए। ये बात सुनकर चेतन के होश उड़ गए। वो खुशी से उछल जाना चाहता था क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि कालदूत की थी। चेतन हैरानी से बोला, कालदूत? तब कालदूत चेतन की ओर मुड़ा तो चेतन ने देखा उसका हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ था। सफेद धोती, कुछ गहने और पीले रंग का लंबा सा कपड़ा जो उसके ऊपरी शरीर को ढक रहा था। चेतन अपना पैर रगड़ते हुए उसके गले से जाकर लग गया और चिल्लाते हुए बोला, कहाँ चले गए थे तुम? तुमने मुझसे एक बार बात तक करना जरूरी नहीं समझा। यहाँ क्या कुछ हो गया? अगर तुम होते तो शायद सब ठीक होता, पर तुम थे ही नहीं। तब कालदूत चेतन को एक पैर के सहारे खड़े देख बोला, पहले तुम्हारे दर्द का कुछ करना पड़ेगा। कहते हुए उसने चुटकी बजाई तो चेतन के पैर का दर्द गायब हो गया। उसके बाद कालदूत दोबारा बोला, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं तुमसे बिना बताए जाने के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे क्षमा कर दो बंधु। ये सुनकर भी चेतन ने चेहरा घुमा लिया। तब कालदूत दोबारा बोला, अच्छा ठीक है, तुम अपना गुस्सा मुझ पर बाद में उतार लेना, फिलहाल हम घर चले, वहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तब चेतन बोला, हाँ काफी समय भी हो गया है, चलो घर चलते हैं। ये कहते हुए चेतन भगवान काल भैरव की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए बोला, हे ईश्वर, मेरी मनोकामना पूरी करने के लिए धन्यवाद। कहते हुए चेतन मंदिर से बाहर की ओर जाने लगा, लेकिन कालदूत अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था। तब चेतन उसे पीछे मुड़कर देखने लगा तो कालदूत उसे देख मुस्कुरा रहा था। अचानक चेतन को कुछ याद आया और वो तुरंत बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कहते हुए वो वापस कालदूत के पास दौड़कर चला आया। इसके बाद कालदूत चेतन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या बंधु, तुम तो सब कुछ भूल गए। इतना कहकर जैसे ही कालदूत ने चुटकी बजाई, वो दोनों अगले ही पल घर के सामने पहुंच गए थे। चेतन खुश होते हुए बोला, तुम देखना कालदूत, जब मैं सबको तुम्हारे लौटने के बारे में बताऊंगा तो सभी लोग खुश हो जाएंगे। इतना कहते हुए चेतन कालदूत के साथ घर में दाखिल हो गया। जैसे ही वो आंगन तक पहुंचा तो पाया सभी का चेहरा उतरा हुआ था। काशी जी वीर सिंह आंगन में सिर झुकाए बैठे थे। वो धीरे धीरे अंदर आते हुए बोला, पापा क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो? तब चेतन को वहां देख वीर सिंह और काशी जी उठ खड़े हुए। तभी वीर सिंह बोला, अरे चेतन कहां थे तुम? चेतन ने जवाब में कहा, मंदिर में, लेकिन हुआ क्या? जवाब स्वरूप काशी जी दोबारा बैठते हुए बोले, अब हम जीत नहीं पाएंगे चेतन, और शेखरन ने पूरी लड़ाई को एक तरफा ही कर दिया है। ये सुन चेतन हैरानी से बोला, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अब की बार वीर सिंह ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अभी अभी हमें चित्रलेखा से इस बात की जानकारी मिली है कि शेखरन नगर श्री वाली हवेली में है, वो मुक्ति यज्ञ की तैयारी में लगा हुआ है। साथ ही उसने हवेली के चारों ओर ऐसे कवच का निर्माण किया है कि कोई भी अगर उस कवच के पास जाने की कोशिश करेगा तो मारा जाएगा। चित्रलेखा की जानकारी भी उसे है, इसका मतलब चित्रा भी कोई मदद नहीं कर पाएगी। ये सुनकर चेतन मौन खड़ा रहा। आखिर कैसे इस रक्षा कवच का भेद उन्हें मिलेगा और इस लड़ाई में कालदूत की क्या भूमिका होगी? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू।